Recently, VEON organized an education summit in which we invited global educationists to brainstorm solutions to the problems facing the sector. As part of the summit, we now invite Mr. Ramesh Pokhriyal, India's education minister, to share his thoughts about the National Education Policy 2020. What does the new policy mean for learners and India's education system? Will NEP 2020 succeed in bringing both quality and equity in education? Let's hear what the minister has to say. 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति एक नए आगाज के साथ आई है, जिसका पूरे देश ने अच्छे से स्वागत किया है। ये नई शिक्षा नीति देश के स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार और परिवर्तनों के साथ आई है। इस शिक्षा नीति में जहां हम GER को बढ़ाएंगे, स्कूली शिक्षा में उसको आगे 100% करेंगे, वहीं उच्च शिक्षा में भी GER को तेज़ी से बढ़ाने का है। इस स्कूली शिक्षा में जहां हम 5+3+3+4 का सिस्टम लाएंगे, हम 10+2 को हटाया है और अब 3 वर्ष के बच्चे से जो आंगनबाड़ी है और फिर प्री प्राइमरी है और फिर आगे बढ़ेगा, उसके साथ ही स्कूली शिक्षा में वोकेशनल 6वीं से शुरू करेंगे और वो भी इंटर्नशिप के साथ हम करेंगे। स्कूली शिक्षा से ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये दुनिया का पहला देश है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कक्षा 6 से ही शुरू करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं ये समझता हूँ कि जो मूल्यांकन का तरीका भी है स्कूली बच्चे का, वो टोटली 360 डिग्री होलिस्टिक को मूल्यांकन होगा, जहाँ बच्चा अपना मूल्यांकन करेगा, उसका अभिभावक करेगा, उसका साथी करेगा और अध्यापक करेगा, और उस बच्चे को पूरी तरीके से छूट होगी, किस तरीके से वो उभर सकता है, उसका जो कार्ड होगा वो रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा, वो उसका प्रोग्रेस कार्ड होगा। और इसलिए स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा में विषयों को छूट रहेगी छात्र को कि वो किसी भी विषय को ले सकता है, वो विज्ञान के साथ वो साहित्य को ले सकता है, वो इंजीनियरिंग के साथ संगीत को ले सकता है। टोटली उसकी इच्छा पर निर्भर होगा कि वो कौन से विषय में अपने को ऐसा महसूस करता है कि वो उसकी पूरी ऊर्जा और क्षमता और उस विषय में वो अपने को महारत हासिल कर सकता है, बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है, कुछ नया निकाल सकता है। और इतना ही नहीं, तो हम लोगों ने इस नई शिक्षा नीति में जो आया है, उस नई शिक्षा नीति में अब छात्र यदि बीच में परिस्थितिवश उसको कक्षा छोड़ के जाना पड़ रहा है, यदि वो इंजीनियरिंग कर रहा है या BSc कर रहा है या MSc कर रहा है, वो किसी भी क्लास में बीच में परिस्थितिवश यदि उसको छोड़ने की ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है, तो उसका वो 2 वर्ष बर्बाद नहीं जाएगा। पहले होता था 2 वर्ष का जो समय है वो बर्बाद हो जाता था, अब बर्बाद नहीं होगा। अब उसको यदि 1 वर्ष में छोड़ के जा रहा है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष में छोड़ के जा रहा है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष में जा रहा है तो उसको डिग्री मिलेगी। और यदि वो फिर वापस आकर के वहीं से शुरू करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि हमने उसके लिए एक क्रेडिट बैंक बनाना सुनिश्चित किया है, जहां उसके सारे क्रेडिट रहेंगे, जब चाहे वो वहां पर चाह छोड़ के गया है वो उसको आगे बढ़ा सकता है। टेक्नोलॉजी की दृष्टि में भी किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, और इसलिए इसमें हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन करना सुनिश्चित किया है, 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हम स्वयं प्रभा, दीक्षा, ई पाठशाला, NDL तमाम माध्यमों से कर रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। आज भी हमारा स्वयं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में अपना स्थान रखता है। तो उच्च शिक्षा में भी पूरी तरीके से छूट है कि जहाँ तक जा सकते हैं, और अपनी मातृभाषा में, स्कूली शिक्षा में जो उसकी मातृभाषा है, उसी क्षेत्र की भाषा है जिसमें वो ज़्यादा अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, प्रारंभिक शिक्षा,
उसकी भाषा में होगी। हमने भाषाओं का, हमारे देश के 22 भारतीय भाषाएं हैं, वो 22 भारतीय भाषाएं जो संविधान की अनुसूची 8 में, चाहे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, कन्नड़ है, गुजराती, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, चाहे कश्मीरी और तमाम भाषाएं हमारी ऐसी हैं जो 22 भाषाएं हैं, तो हमारी संविधान के उस अनुच्छेद में हैं। और अभी जो कश्मीरी का मैंने अभी कहा है, वो उसको और प्रोत्साहन देंगे, डोगरी है, कश्मीरी है, तो कुल मिलाकर के देश की जो अपनी भाषाएं हैं उनको मजबूत करेंगे और मातृभाषा में बच्चा पढ़ना शुरू करेगा। ये शिक्षा नीति ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी से युक्त ये विश्व की प्रतिस्पर्धा वाली शिक्षा नीति है, जो भारत को पूरे विश्व में ज्ञान की महाशक्ति को स्थापित करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। भारतीय जीवन मूल्यों पर खड़ी होकर के ये इंडियन भी होगी, ये इंटरनेशनल भी होगी, ये इंटरैक्टिव भी होगी, इम्पैक्टफुल भी होगी एंड इंक्लूसिव भी होगी। इसमें जहाँ राष्ट्रीयता होगी वहाँ अंतर्राष्ट्रीयता भी होगी, जहाँ इसमें संवाद होंगे वहीं प्रभावशाली भी होगी और समावेशी भी होगी। और ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस, ये तीनों के आधारशिला पर है। समानता भी है, उत्कृष्टता भी है और इसमें पहुंच भी है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अपने प्रकार की शिक्षा नीति पूरी दुनिया में अपने ढंग का इसने अपना आधार लिया है। ये लोकल भी होगी, ग्लोबल भी होगी, इसमें लोकस भी होगा, इसमें फोकस भी होगा, इसमें टैलेंट भी होगा, इसमें पेटेंट भी होगा, इसमें कंटेंट होगा, इसमें रिलेवेंट भी होगा। और मैं समझता हूँ ये जो टैलेंट को पूरी तरीके से विकसित भी करेगी और उसका विस्तार भी करेगी। मैं जी ग्रुप के अंग्रेजी न्यूज चैनल जो बियान के देश और दुनिया भर के जो दर्शक हैं, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। और मुझे खुशी है कि जी ग्रुप ने नई शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति 2020 भारत की आई है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में उत्सुकता है, उस पर चर्चा की है और इसके बहुत सुखद परिणाम निकलेंगे।